नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर। मेरे साथ आप मौजूद है भावी, लेट्स गिविंग। नमस्कार दोस्तों, वापस जुड़ चुके हैं। आपका पूरा रिव्यू बताएंगे कल पोस्ट स्टोरी आएगा, क्या क्या गलतियां हुई इंग्लैंड और क्या क्या स्ट्रेंथ थी, कुछ गलतियों को सुधारना होगा टीम इंडिया को भी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, हम पहले आपको पूरा बताते हैं टॉपिक इसके अंदर क्या क्या बताएंगे। सारी इंजरीज अपडेट मिलेगी आपको, सारी 4-5 इंजरी हुई दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन हमारे पास खबर आई है। और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुबहान अल्लाह है, वो भी एक बताएंगे आपको एक न्यूज जो कुछ घटित हुआ था वहां पे, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। और शार्दुल ठाकुर भाई, इन्होंने ठान रखा है कि मैच मैं ही खेलूंगा, पूरा बिगाड़ूंगा भी मैं ही, सही भी मैं ही करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले देखिए, रिव्यू। शार्दुल ठाकुर तो एक एक निकनेम होता है सबका, विराट का रन मशीन, रोहित का हिटमैन, शार्दुल का मैं कहूंगा गेम चेंजर। हाँ, क्योंकि खुद ही गेम बिगाड़ते हैं। इनका ये है कि शुरू में पिटेंगे, खूब खूब ठुकाई होगी इनकी, फिर उसके बाद 2 विकेट लेंगे, फिर उसके बाद पूरा गेम ही बदल देंगे। तो रिव्यू से स्टार्ट करें तो सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया, जो बहुत सही फैसला था जैसा हमने आपको बताया था। लेकिन इनको जो हार का फैसला करना पड़ा है वो इनकी गलती की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो छोटी सी चोट यहाँ पे रोहित शर्मा को मिली। तो मैं अगर आपको इंजरी अपडेट अभी थोड़ी देर बाद दूंगा, जब तक एक बार ये बैटिंग की बता देंगे बाबा एलिस गिविंग। देखिए, रोहित शुरुआत में पारी बहुत अच्छी जम गई थी, 6 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच में। तो 28 रन की पारी रोहित शर्मा ने खेली थी, शिखर धवन बैड लक राज तक पूरा नहीं कर पाए। विराट कोहली की 71st सेंचुरी का वेट कर रहे हैं हम, अभी तक आई नहीं। 56 रनों की इन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेली, बड़ी स्थिरता से खेली। श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं दिखे इस मैच में। केएल राहुल और कृणाल पांडे की तारीफ करना चाहूंगा, क्या शानदार पार्टनरशिप करी इन्होंने, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करके टीम को संभाला। वरना एक टाइम तक तो लग रहा था कि टीम 250-260 ही बना पाएगी, पर इन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की और टीम को संभाला वो काफी सराहनीय है। केएल राहुल भाई, इन्होंने रन इतना बढ़िया, मत बहुत ही बढ़िया खेले, उसके बाद से थोड़े से मीम भी इनके ऊपर बनने चालू हो गए। आपको बता दूं मैं, मोदी के स्टेडियम से निकल के राहुल का जलवा। अब इसके जो अंदर की कहानी है ना, वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स के समझदार को इशारा ही काफी है। बाबी एलिस की, मैं आपका कहना चाहोगे केएल राहुल के प्रदर्शन के बारे में? देखिए, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने, और जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे कुछ बड़े रन बनाने के लिए, अब वो दिक्कत पड़ेगी T20 में इनके सिलेक्शन की, पर देखना पड़ेगा कैसे टीम मैनेजमेंट मौका देती है। टीम मैनेजमेंट को राहुल और पंत में से एक को मौका देना था, तो मेरे हिसाब से सही गई टीम मैनेजमेंट, राहुल को मौका दिया। राहुल अगले मैच भी खेलेंगे, श्रेयस अय्यर को रेस्ट देने की उम्मीद लग रही है मुझे, सूर्य कुमार रेस्ट यादव नहीं, वो का। इंजर्ड हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर इंजर्ड पता नहीं था मुझे। हाँ, मैं आपको पूरी इंजर्ड की सारी खबर बताता हूँ एक बार। उससे पहले बता दूँ, कृणाल पांडे के साथ मतलब इतना बढ़िया इन्होंने खेला, उसके बाद इतना इमोशनल हो गए थे कि ये अपना इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहे थे। उसकी क्लिप आई थी हमारे पास, मतलब ये इंटरव्यू देते देते भी बहुत इमोशनल थे। तो मतलब देखिए, इनको देख जब के इन्होंने 50 भी पूरी की तो हार्दिक भी रोने लग गए थे, फूट फूट के रोने लग गए थे, जब फिर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने संभाला था उनको आके वहां पे। देखिए, सबसे पहले इंजरी तो रोहित शर्मा की हुई थी, खेलते वक्त मार्क वुड की गेंद लगी थी 145 किलोमीटर की स्पीड से, उनकी जो हाथ लेफ्ट हैंड के आसपास कहीं लगी थी। तो जब वो इंजर्ड हो चुके थे, और ऑफिशियल अभी जो खबर यह है कि BCCI आज की तारीख के अंदर चाहे रात रात तक वो बता देगा कि रोहित शर्मा के ऊपर अपडेट, क्यों खेलेंगे अगला मैच या नहीं। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है ना, वो शायद से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फील्ड पे भी नहीं आए थे, खेल के चले गए, जल्दी आउट भी हो गए थे उस वजह से, इंजरी की वजह से, और वो फील्ड पे भी नहीं आए थे, उनको बहुत तेज चोट लगी थी। और दूसरी अपडेट ये कि श्रेयस अय्यर को बहुत ही खतरनाक पूरे हाथ पे चोट लगी थी, जब उन्होंने जब फील्डिंग कर रहे थे, तो कोई 7वां या 7th या 8th ओवर चल रहा था उसके आसपास है ना, जब बॉल मारी थी तो उनके लेफ्ट वाले हैंड की तरफ पूरी तेज बॉल लग गई थी, और वो उसके वहीं पे बैठ गए थे पूरा। फिर हार्दिक पांडे और विराट कोहली आए थे उनको संभालने के लिए, तो वहां पे चले गए थे, जैसे सैम बिलिंग्स के साथ भी हुआ था, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो उनके ऊपर तो ये खबर आई कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उनके कैप्टन स्टीव स्मिथ के ऊपर कंफर्मेशन हो चुकी है, दिल्ली कैपिटल्स ने बोला अगर ऐसा कुछ होता है तो स्मिथ कप्तानी खेलेंगे, क्योंकि 2-3 हफ्ते लगेंगे अय्यर को रिकवर होने के लिए। देखिए, फिर ये है दिल्ली को थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ेगा इसमें, या तो फिर स्टीव स्मिथ की कंफर्मेशन अगर पक्की, अगर स्टीव स्मिथ नखरे दिखाते हैं
मेरे हिसाब से फिर कप्तानी ऋषभ पंत के हाथ में जाएगी। और इंग्लैंड के साइड से भी दो इंजरी हुई है, एक तो अयन मॉर्गन को हुई और सैम बिलिंग्स को। सैम बिलिंग्स को तो हम सबने देखा था फील्डिंग करते वक्त बहुत ही खतरनाक चोट लगी थी इनको, तो इनका तो ऐसा थोड़ा डाउटफुल है। और मॉर्गन को भी लगी थी तो उनका कंफर्म नहीं है अभी। देखिए पर इनके पास रिप्लेसमेंट में इंग्लैंड का ही समझ में नहीं है, थोड़ा 20 जनों को लेना चाहिए था स्क्वाड में, 15 जने, देखिए सैम 14 जनों बिलिंग्स का का तो स्क्वाड है। है, सैम बिलिंग्स का है लियाम लिविंगस्टोन, लेकिन अब उसका जो मॉर्गन का है तो फिर कैप्टेंसी कौन करेगा? बटलर? हाँ बटलर वाइस कैप्टन है टीम के। तो अब बॉलिंग की बात करें जाए भाई, प्रसिद्ध कृष्णा, इसने अपनी शुरू में खतरनाक ठोके थे, उसके बाद प्रसिद्ध गेंद करके इन्होंने पूरी इंडिया को प्रसिद्ध कर दिया है। मैं आपको पूरा बॉलिंग स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। भुवनेश्वर कुमार ने 9 ओवर डाले, 30 रन जिए, तो आप क्या कहना चाहोगे बॉलिंग के ऊपर? इंडिया के हार्दिक पांड्या ने एक भी ओवर नहीं डाले। देखिए टीम सही चल रही थी शुरुआत में, 15 ओवर में 135 रन आया था, तो मैं डर गया था थोड़ा सा कि क्या होगा अब, पर जिस तरीके से गेम चेंज किया शार्दुल ठाकुर ने, इनकी सराहना करनी पड़ेगी। एक टाइम पे फिर जेसन रॉय गए, फिर एकदम से स्टोक्स का झटका लगा, फिर मॉर्गन और फिर बाकी प्लेयर्स गए, तब जाके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला। और देखिए आप दर्शकों को FOW भी दिखा दीजिए, फॉल ऑफ विकेट्स भी दिखा दीजिए कि कैसे किस गति से किस रेट से विकेट्स डिक्रीज हुए हैं हमारे वहां पे, कितने जल्दी विकेट्स गिराए हैं इंग्लैंड के हमारे फिर बॉलर्स इंडिया ने। के? देखिए इंग्लैंड के बॉलर्स में हाँ यहाँ पे हैं, देखिए 135 पे एक, फिर 2 हो गए, 137 पे 169 पे 3 हो गए। बेयरस्टो और स्टोक्स की जोड़ी देख के हाल फिलहाल डर भी लग रहा था, बोले मैं सोच रहा था मैच खत्म हो जाएगा इस स्टेट में, पर फिर जोड़ी तोड़ दी इन्होंने, प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करनी पड़ेगी। और दोनों डेब्यूडेंट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, फिर एकदम से गिरते गए, एकदम से लो लेवल हो गया, डिमांड की चेन की तरह एकदम से वो डिक्रीज होती रही यहाँ पे, फिर और बस भुवनेश्वर फिर बोले कि मैं बैटिंग क्यों खत्म हो पीछे गया। रहूं भाई। हाँ भुवनेश्वर बोले मैं भुवनेश्वर क्यों ने भी पीछे रहूं। उन्होंने भी 2 विकेट लिया आखिरी के अंदर। थोड़ा मुझे लगा था सैम करन और मोइन अली थे तो थोड़ा सा साइड इंग्लैंड का सही था, लेकिन फिर जब उनके आउट होने के बाद तो पूरा कुछ बचता ही नहीं खेलने के लिए। इंग्लैंड की बॉलिंग्स पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए इंग्लैंड की बॉलिंग मुझे सही लगती है एकदम, जिस तरीके से अब बॉलर्स की कमी है वो मानता हूँ, पर थोड़ा सा यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एक देखिए तरफ से मैं मोइन बेन अली के स्टोक्स, पर्सपेक्टिव से सैम भी बोल करन, रहा हूँ और उससे। हाँ बेन स्टोक्स और सैम करन ने तो अपना काम कर दिया था। ज्यादा कुछ महंगे भी साबित नहीं हुए थे सैम करन शुरू के ओवर्स के अंदर, 7 6 ओवर करवा दिए थे उनसे पावर प्ले के अंदर। हाँ जी हाँ बिल्कुल, टॉम करन ने भी जिस तरीके से बॉलिंग की उन्होंने कैसे संभाला, इतने बड़े उसके बाद वापसी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित होते हैं कभी कभार, पर इस मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। तो हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू बता दिया, प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर आपको सारी, क्योंकि प्लेइंग 11 में बहुत बदलाव आने वाला है, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी इंजर्ड भी हो चुके हैं, रिप्लेसमेंट भी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना।